को स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ अपलोड विद रचना पर। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, तो मैं आपको वहाँ के दर्शन कराऊंगी और साथ में हमारे हस्बैंड मम्मी और विधि सासू माँ और मम्मी दे देखो हेलो। ये देखिए कितने प्यारे नजारे हैं, आपको सारा दर्शन कराऊंगी और हर की पौड़ी की भी मैं दर्शन कराऊंगी आज आपको, ठीक है। और ये सामने बंदर आ गए, आप देख सकते हैं हम कैसे रास्ते से गुजर रहे हैं। जी हाँ, ये छोटी गंगा का जो गंगा कैनाल है उसके गूगल ने हमें यही रास्ता दिखाया था, यही हमें, तो हम लोग इसी से ही गए। वैसे आप हाईवे से जाए तो ज्यादा सेफ है, क्योंकि हम पहली बार गए थे तो हमें इतना पता नहीं था। हमें गूगल मैप ने जो छोटा रास्ता दिखाया हम उसी के अकॉर्डिंग गए थे। पर मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि आप कभी भी इस वाले रास्ते से ना जाए, मुझे तो ये बहुत ज्यादा अनसेफ लगा। फिर देखिए अब हम वही गंगा कैनाल के साइड चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ये पूरी गंगा आगे से ही आई हुई है, जिसको छोटी गंगा भी के नाम से भी जाना जाता है। हम उसकी साइड से चल रहे थे, हम शॉर्टकट रास्ते से गए थे, पर वो रास्ता मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत ज़्यादा मुझे भयानक रास्ता लगा। नाइट में तो आप बिल्कुल भी वहाँ से ना गुजरें, अगर आपको जाना है तो दिन में जा सकते हैं। वैसे कुछ इतना खास पसंद नहीं आया ये वाला रास्ता, ये देखिए। और रात को अगर आप आएंगे तो आप ये लगा लो कि आपको गुजरना आपको बहुत अजीब लगेगा, मुझे तो बहुत लगा था। इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जब भी जाएं हरिद्वार तो आप मेन रास्ते, यानी कि आप किससे जाएं, आप जाएं हाईवे रोड से, आपको इजी होगा, इजी पड़ेगा। और ये देखिए मैं आपको सारे नजारे दिखाती हुई चल रही हूँ। वैसे कि यहाँ पर इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं था, पर अगर आप हाईवे से हरिद्वार जाते वो सबसे बेस्ट रास्ता है। यहाँ पर फिर हमने गाड़ी रोकी थी। ये देखिए हम आपको गंगा जी दिखा रहे हैं, यहाँ पे मम्मी विधि हम लोग सासू माँ भी बैठ गई। उसके बाद हम लोग ये देखिए यहाँ का मैं आपको रास्ता, मुझे बहुत बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ से जा सकते हैं, पर दिन में जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। रात को तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ रात को मत जाइएगा, क्योंकि मैं हम रात को आए। देखिए हम कहाँ गए हैं, हरिद्वार। अभी हरिद्वार नहीं पहुँचे, अभी बहुत दूर है, अभी रेस्ट करने के लिए उतरे हैं। ये देखो चुके हैं हरिद्वार। ये देखिए मम्मी सासू माँ आगे चल रही हैं, और इतना प्यारा नजारा है कि मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग, जैसे कि रुद्राक्ष और ये और आपका काफी चीजें यहाँ पर लोग लेकर बैठे हुए हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। और यहाँ पर से आप माला ले सकते हैं सिंदूर, दोनों तरफ साइड में गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। और ये देखिए कड़े, बहुत से जो लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ से कुछ सामान लेकर भी जाते हैं। पर यहाँ से मैंने एक लोटा लिया, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि लोटा लोहे का रखते हैं, पीतल का लोटा इनका नहीं होता। पीतल के लोटे के ये पैसे ले लेते हैं, ये तांबे के लोटे के पैसे ले लेते हैं, पर वो लोटा लोहे का होता है। तो इन ऐसे लोगों से बचकर रहिए। अब ये देखिए हम नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिले, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आने का। ये देखिए गंगा माता कितनी सुंदर लग रही है, गंगा माँ कितनी सुंदर लग रही है प्रवाहित होते हुए। और ये यहाँ से नीचे उतरेंगे उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये इसके पीछे ये भैया, जिसको जैसे भूख लग रही है वो तो खा सकता है कुछ। अब ये देखिए यहाँ पे विधि हमें हाय बोल रही थी,
और ये अब ये सब लोग गंगा आरती के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर 6:30 बजे गंगा आरती होती है। ये देखिए इस तरीके से भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है और लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। आधे लोग तो बैठ भी गए थे। ये मैं आपको 5:30 का नज़ारा बता रही हूँ, 5:30 और यहाँ पर गंगा जी की थोड़ी इधर की साइड्स जो पेड़ियाँ हैं उससे पहले थोड़ी सफाई होने लग जाती है और लोग स्नान ग्रहण करने लग जाते हैं। और ये देखिए मैं विधि और मैं भी हम शूट कर रहे थे, हमने सोचा कि यहाँ आपको पूरा दिखाऊं मैं। और ये देखिए इधर इधर वाली जो साइड जो गंगा माँ प्रवाहित हो रही है इसका पानी जो इतना तेज फ्लो हो रहा था, इतना तेज फ्लो हो रहा था। हेलो एवरीवन, हम आए, अब हमने बहुत बहुत अच्छे दर्शन किए और अब हम वापस चल रहे हैं अपने घर हरिद्वार में। गंगा जी स्नान करके बहुत ज्यादा आनंद आया और सभी को कैसा लगा भाई? आनंदित हो गए सभी, बहुत अच्छा लगा। और देखिए मैं आपको सन ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, वाव। अब हम जा रहे हैं घर, ये देखिए जो कैमरा है ना नीचे उस पे टच कर, नीचे 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 मैं भी फेवर में नहीं हूँ यार।